हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 11th मैथ है एनसीईआरटी, जो पहला चैप्टर है सेट यानी कि समुच्चय। इसके हम प्रश्नावली के 1.1 के जो क्वेश्चन कर रहे थे, पहला क्वेश्चन हमने किया है और उसके पहले भी और वीडियो आई है जो जिसमें हमने बताया है कि इसके बेसिक्स के बारे में बताया गया, इसकी सेट क्या होता है, इसकी सारी जानकारी उसमें दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि सेट आपको बेहतरीन तरीके से आए तो आप उस वीडियो को जाकर पहले देखें, तब जाकर इस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि ये मैथ का वीडियो है, कोई ड्रामे वाला या कोई ऐसा वीडियो नहीं कि आप देख के चले जाएंगे। मैथ का वीडियो जब तक आप देखेंगे तब तक लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ही आपका फ़ोन या पीसी बंद नहीं हुआ कि आपके दिमाग से ये क्वेश्चन उतर जाएगा, मतलब ये ध्यान से चला जाएगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। इसीलिए आप एक कॉपी मतलब नोटबुक लीजिए और एक पेन लेकर बैठिए साथ में, और जहाँ कहीं भी डाउट आए वहाँ पे लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जहाँ पे ना समझ में आए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपका नाम लेकर बताऊंगा वो वीडियो कि आपने कहा है, फला भाई ने कहा है, तो उनके नाम से ही वीडियो बनी है, उनको यहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर आप कहेंगे कि आपके नाम से बनाया जाएगी, नहीं चाहते हैं आपका नाम, तो बिना नाम की भी वीडियो बन सकती है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है 1.1 का। तो इसमें कह रहा है, मान लीजिए ए एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है। यार स्केच को क्या हो गया, मार्कर दूसरा लाना पड़ेगा। तो ये जो सेट दिया हुआ है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा कोई एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सेट दिया हुआ है। इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग टू भरिए। मतलब इसको हम लोगों ने बताया है, मैंने बताया है, इसको पढ़ा है हम लोगों ने, जो लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को पता ही होगा ये और इसमें सिंबल में फर्क क्या होता है। ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग टू, मतलब संबंधित है और संबंधित नहीं है। तो देखते हैं अभी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। जैसे 5 और ये ए है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 8 है, ए है, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा ये होगा 0 और 0 है, थीटा नहीं है, ए। तो चौथा क्वेश्चन जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा 4 है ये, और ये ए होगा, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, ये है 2 और ए। और जो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये क्या है, ये 10 और ए। तो ठीक, आपको क्वेश्चन देख के, अगर अभी पहला वीडियो आप इसी को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू, लेकिन अगर आप हमारे साथ साथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको ये कुछ नहीं लगेगा, ये हल्का क्वेश्चन है। आप इसको कर देंगे, सर क्या आप इसको भी पढ़ा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो पहले वीडियो देख रहे हैं या जिनको समझ में नहीं आया, तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर वहां पे भी नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो में 100% आपको बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू समझ में आ जाएगा। याद देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके क्या है, मैंने बताया ये सदस्य हैं या वस्तु हैं या अवयव इसको कह सकते हैं। ये अवयव हैं सेट ए के, मैंने बताया था ये अवयव हैं सेट ए के। तो यहाँ पे ये कह रहा है 5 है, 5 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 5 है। क्या ये 5 बिलोंग करता है में, क्या 5 एलिमेंट है ये का? आप कहेंगे यस सर है एलिमेंट, तो मैं कहूंगा लिख दो भाई फिर, ऐसे बिलोंग करता है ये साइन से, ये बिलोंग करते हैं करने वाला साइन से, लिख दो फिर। तो इसको लिख दिया जाएगा, बिलोंग करने वाला जो साइन है इसे लिख दिया जाएगा, मतलब बिलोंग करता है ये जो साइन होता है इसका, ऐसे करके। तो ये साइन हो गया। फिर देखते हैं 8, क्या 8 इसमें बिलोंग करता है, क्या 8 इसका एलिमेंट है? आप देखेंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो 8 दिख नहीं रहा, 8 कैसे इसका एलिमेंट हो सकता है? हाँ, 8 इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखते हैं जो ई का सिंबल जो है, तो ई इसको करके इसको कट कर देंगे हम, जो इसका सिंबल जो होता है डज नॉट बिलोंग टू का, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे फिर देखते हैं हम 0, आप कहेंगे सर 0 भी इसमें नहीं दिख रहा है, हाँ 0 नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी डज नॉट बिलोंग टू, क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 है, क्या है 4, तो 4 इसमें देखते हैं 4 है, 4 एलिमेंट है ये का, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 बिलोंग कर रहा है, क्या करेंगे, 4 बिलोंग कर रहा है,
फोर बिलोंग कर रहा है तो मतलब ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसमें तो ये हो गया नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें भी नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये इसमें जो है फोर बिलोंग कर रहा है, फोर रिलेटेड है, फोर एलिमेंट है ए का। समझ में आया इतना कि यहाँ पे फोर इसमें है लाई कर रहा है इसमें, तो फोर एलिमेंट है किसका, है ए का एलिमेंट है। अब देखते हैं टू, तो आप कहेंगे सर टू भी है, तो ये क्या, ये भी क्या हुआ एलिमेंट हुआ टू का। इसको भी लिखिए थोड़ा ये मार्कर जो है, तो आप देख लें ये एलिमेंट टू जो है एलिमेंट है ए का, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो ठीक है, वरना मैं बता दे रहा हूँ टू एलिमेंट है ए का। और फिर टेन देखते हैं, टेन आप कहेंगे सर इसमें जो टेन कहीं है ही नहीं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे टेन एलिमेंट नहीं है, टेन क्या है एलिमेंट नहीं है। ई लिख कर इसको हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे ई लिख कर हम ऐसे कट कर देंगे ऐसे, ठीक है, एलिमेंट नहीं है। जहाँ कहीं भी एलिमेंट नहीं रहेगा वहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक, जहाँ भी एलिमेंट नहीं रहेगा वहाँ पे ई लिख के हम उसको काट देंगे, उसका निशान जो होता है डज नॉट बिलोंग टू वो करेंगे, और जहाँ भी एलिमेंट होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ई लिख देंगे। तो बेसिकली आपको ये छोटी सी चीज़ थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर ये आपको नहीं आएगी तो ये तो सिर्फ सेट चैप्टर है, आगे चलकर रिलेशन एंड फंक्शन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हमारा बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास ट्वेल्थ में है प्रोबेबिलिटी, जिसको आप प्रायिकता के नाम से जानते हैं, वो तो आपको ये सब चीज़ें अगर सेट नहीं करते हैं अच्छे से तो वो तो कतई आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अगले क्वेश्चन को देखें तो ऊपर आई बटन में आपको इसके अगले क्वेश्चन की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।